पहले खबर फिर असर। तह से तहकीकात तक, जन जन से जुड़ा मुद्दा चाहे कुछ भी, हम पहुंचेंगे हर खबर की जड़ तक। देखिए मेरे साथ मुद्दा। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आज का हमारा मुद्दा है आपदा या अवसर। कोरोना आपदा कब अवसर में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। इलाज के नाम पर कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल मौके पर चौका लगाने के लिए खुलकर सामने आ गए। जिन लोगों की जान महंगी थी वह 5 से 8 लाख रुपए लेकर इन महंगे अस्पतालों में कोरोना का इलाज कराने पहुंच गए, और जिन लोगों की मौत सिर्फ एक आंकड़ा भर है वे सरकारी अस्पतालों में। वहां कोरोना से जूझ रहे ये मध्यम वर्गीय लोगों की मजबूरी है कि कई घंटे तक शवों के बीच लेटे रहें, मौत को करीब से देखते रहें और एहसास करें कि उनकी तरफ भी मौत तेजी से बढ़ रही है। जब सह नहीं हुआ तो किसी ने सिर पीटा, तो किसी ने दीवार में जाकर सिर मार दिया। मानव जाति की सेवा की शपथ लेने वाले तमाम प्राइवेट चिकित्सक इस महामारी में बिल में जा छिपे। जिन मरीजों ने उनके रहन सहन को कोठी लायक वे संपन्न और गौरवशाली बना दिया, वे अब रूटीन की बीमारी के लिए भटक रहे हैं। महीने महीने भर की दवा लिखने वाले चिकित्सक पिछले 3 माह से अपने बिल से नहीं निकले हैं, वह भी तब जबकि इस वक्त उनके मरीजों को उनकी बेहद आवश्यकता है। कुछ प्राइवेट चिकित्सक अपने मरीजों के लिए आगे भी आए हैं, लेकिन उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। मेरठ के सभी नामी ग्रामी प्राइवेट चिकित्सक पिछले 3 माह से भूमिगत हैं। सरकारी अस्पतालों व सिस्टम पर कई मर्तबा बात हो चुकी है। मध्यम वर्ग से दूर होते इस सरकारी सिस्टम का सच यूं तो पहले ही सब जानते थे, लेकिन अब लगभग रोज सामने आने वाली वीडियो ने उस कड़वे सच पर अपनी मोहर लगा दी है। लिहाजा आज बात करते हैं उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो इन दिनों कोरोना इलाज के लिए चर्चा में है। मैक्स साकेत दिल्ली, यहाँ पर डे का खर्चा ही करीब 25 से 55 हज़ार रुपये तक है। इस धनराशि में सभी दवाइयों का खर्चा इंक्लूड नहीं है। कोरोना पेशेंट को ऑक्सीजन व हालत खराब होने पर वेंटिलेटर की जरूरत जान बचाने के लिए अवश्य पड़ती है, तब ICU वे वेंटिलेटर पर आने वाला खर्चा 72,550 रुपये होगा। किसी भी लैब इन्वेस्टिगेशन का व्यय इसमें शामिल नहीं है। यहाँ सिटी स्कैन 9,000 रुपये जबकि MRI 12,000 रुपये में होगी, यानी मोटा मोटा 1,00,000 रुपये प्रतिदिन यह खर्चा मरीज का है। तीमारदारी इसमें शामिल नहीं है। यह खर्चा एक दिन का है, जबकि कोरोना 1-2 दिन में ठीक होने वाली बीमारी भी नहीं है। सरकार ने ही सिस्टम 14 दिन का बनाया है। मैं साकेत की यह स्थिति है कि पैसे वालों की कमी नहीं है, लिहाजा यहाँ भर्ती होने के लिए सिफारिश भी लगानी पड़ रही है। कारण साफ है, क्योंकि मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जो लोग यह खर्चा उठा सकते हैं वे ठीक होकर वापस आ भी रहे हैं, पर मध्यम वर्गीय लोग वीडियो बनाकर सरकारी सिस्टम पर अव्यवस्था की मोहर लगाते हुए गिड़गिड़ा रहे हैं कि उन्हें किसी तरह से यहाँ से निकालो, गंदगी व लाशों के बीच से। यानी मरना है तो मध्यम वर्गीय परिवारों का, वह कोरोना से मरे या फिर अव्यवस्था से, उसे तो। इस गंभीर मुद्दे पर आज इतना ही। स्वयं को कोरोना महामारी से बचाए रखें, क्योंकि यहाँ कोई बचाने नहीं आएगा। खुद की जान अपने हाथ अपने साथ। देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।